अगर तुम दोनों की कुश्ती हो जाए मेरे को लेके, फिर कौन जीते? पाली ने ऐसा बोला कि दूसरी शादी कर लो। तो देखो उस खेत वाले ने खूब मारा था ना, सोटी सोटी मारी थी ना तेरे को। भिंडी लेने गई थी, भिंडी चोर। रूपाली आज के बाद रील नहीं बनाएगी और ब्लॉग भी नहीं बनाएगी। अब नहीं आऊंगी मैं। सो गाइस, ये आपको टीवी दिख रही है, इसको मेरे को निकाल के ये जो कीबोर्ड दिख रहा है ना, रखना है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। पीछे दिख रही है ये तुम्हें टीवी, इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखना है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास है ना ये माउस है, ये माउस है वायरलेस वाला, तो मैं इसको इस बेड पे रख के टीवी को कंट्रोल तो कर लेता हूँ यहाँ से, लेकिन जो इसका ये कीबोर्ड है ये है वायर वाला, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ पे रखना पड़ता है जब मैं इसको चलाता हूँ, तो मेरे को मज़ा नहीं आता। और ये जो टीवी है ये मेरी नॉर्मल बेसिक हाइट से, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ, लेटने के बाद जब मैं टीवी पे काम करता हूँ ना, तो मेरे को देखने में दिक्कत आती, क्योंकि ये मेरे को ऐसा देखना पड़ता है, तो मेरे को चाहिए बराबर यहाँ पे, तो इसको अभी निकालता हूँ। बहुत बड़ी गलती मैंने ये कर दी कि इसको मैंने हॉल से निकलवा के यहाँ पे मेरे कमरे में इस दीवार पे फिक्स करा ली, लेकिन अब मेरे को यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे कराना है, क्योंकि यहाँ की जो मेरी एलईडी थी वो मैंने उधर कर दी हॉल में मेरे, तो मेरे को दिक्कत आती कंप्यूटर की। तो मैं ना पहले काम करता हूँ, पहले जो सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। रूपाली से एक बार पूछ लेता हूँ, नहीं तो अगर मैंने रख दी ना यहाँ पे टीवी तो भैया लड़ाई हो जाएगी इसकी और मेरी घर में। अभी तो है ही नहीं, पता नहीं क्या 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 कर रही है। रूपाली क्या कर रही है? अरे मेरे को एक बात बता, इधर आप इधर तो आओ। अरे आप आओ ना, नहीं आप आओ ना, ले इधर तो आ, इधर आ, इधर आ, देख वहां पे रख दो टीवी, वहां पे मेरे को कंप्यूटर बनाना है ना उसको, इसलिए मैं वहां पे रख रहा हूँ। आपकी परमिशन है, आपको कोई समस्या तो नहीं है? समस्या तेरे को पहले सब बता के जा, लड़ाई तो नहीं करेगी बाद में? नहीं। पक्का? और मेरे तोड़ेगी क्या उसको? रख रही ना। कहाँ रख रही? ऐसे जोर जोर से खींचे जा रही तो क्या होगा, ऐसा क्यों देख रही मेरे को? हाँ तो मालूम है ना, तेरी शक्ल दिख रही मेरे को, लड़ने के लिए हो रही है तू आज, लड़ाकू हो रहा था एक नंबर की तू। बता दे तेरा अवतार, बता दे आज, बता देना आज का ही कोई तेरा लड़कने वाला अवतार, बता दे आज, आदि मानव वाला अवतार बता दे तेरा। गाइस आज मैं तुमको एक कहानी सुनवाता हूँ रूपाली से। एक बार जब तू वहाँ पे गई थी खेत में, क्या तोड़ने गई थी तू खेत में? कुत्ते लेने गई थी। देखो उस खेत वाले ने खूब मारा था ना, सोटी सोटी मारी थी ना तेरे को। भिंडी लेने गई, भिंडी लेने गई थी, भिंडी चोर। कहाँ याव कर लिया, थक जाती यार कितनी बेकार है यार तू, मतलब शादी को इससे क्यों जोड़ रही, थक जाती है तो मेहनती बनो, मेहनत करो। गाइस देखो मेरे बाबू को क्या बोल रही है, क्या बोल रही तू मेरे बाबू को, क्या बोल रही मेरे बाबू को, क्या है? सुबह उठने के काम, शाम को आधे एक घंटे सोना, कि काम वो सासु आएगी तो करना रोटी बनाएगी जरा, अभी आज नहीं करना। बहुत नखरे बताती क्या मम्मी, आलसी खो रहे है कि नखरेली है? क्यों तेरे को बोला था मैंने? गाइस रूपाली आज के बाद रील नहीं बनाएगी और ब्लॉग भी नहीं बनाएगी। अब नहीं आऊंगी मैं, अब रील में नहीं आएगी। लास्ट दिन है मेरा। काहे का लास्ट दिन है, काहे का लास्ट दिन है तेरा, काहे का लास्ट दिन है? हाँ ब्लॉग में दिखूंगी भाई। रूपाली बोल रही है कि मैं आज के बाद ना रील में दिखूंगी ना ब्लॉग में दिखूंगी, आज से रूपाली जा रही उसके घर, हमेशा के लिए छोड़ के जा रही मेरे को। तू यहीं रहेगी, दिखेगी नहीं, ले मेरे को खिला सेव फल, नहीं अच्छा वाला दे, वो तो उसमें से मैं खाऊंगा, चल इसमें से खिला दे पहले, अब उसमें से दे, उसमें से भाई देखो आज के बाद बताता हूँ, आज का दिन भर तो ऐसे ही निकल गया। बाकी पीछे देख लो टीवी, पहले जो टीवी को मेरे को यहाँ पे लगाना था उन्होंने लगा दी बिना इसने कुछ कहे, बिना नाराजगी जाहिर करे। तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है? मुक्ति दिक्कत है बता। नहीं
हमेशा रील नहीं बनाते तराते है। नहीं भाई बनाता हूँ मैं रील इसके साथ। ये क्या है गाइस? अभी बना रही रूपाली मैगी मेरे लिए, मैंने पैसे दिए, मैं कहूँगा मैंने तो दिया, मैंने पहुँचाया दुकान पे। मेरे को लगी थी भूख आई, मैंने चावल के साथ खा ली रोटी सब्जी, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को कुछ चटपटा खाना था, तो मैंने अभी कहा कि मम्मी मैगी खाऊंगा। मम्मी जी क्या कर रहे हो? मम्मी क्या कर रहे हो? चल आज मम्मी को ऐसी कहानी सुना दे। कौन सी कहानी सुना दे? वो कहानी सुना दे तूने तेरे भाइयों को कैसे मारा था। गाइस मम्मी ने मम्मी के भाइयों को बहुत मारा था। एक बार छोटे वाले मामा को तो चाकू मार दिया था, चाकू मार दिया। फिर मासी ने चाकू मार दिया था, मासी गुंडी मार दी। भाई किसी को पता नहीं हो गुंडी क्या होती है, तो जो पानी भरने का अंडा होता है ना उसको बोलते हैं। किसको मारा था? गुंडी मासी ने छोटे मामा गुंडी मार दी। अच्छा मम्मी ने मासी को गुंडी मार दी। देख लो मासी आज कबल दिया तुम्हारे दुश्मन ने। मासी तुमको मारी थी गुंडी मेरी मम्मी ने, गुंडी मम्मी ने मेरी मासी को गुंडी मार दी। भोपाल में मारती है। बचपन में मेरी माँ सबको मारती थी। किसको किसको मारा? ओ जितेन मामा को सर किसने खोल दिया था? जितेन मामा का दचड़ दिया था मासी ने। तूने ओ बाप रे, अनिल मामा को नहीं मारा तूने? अनिल मामा को मारना था ना? वो यार पास में मेरे मामा को मारना था, बड़े वाले मामा को। मेरे बड़े मामा की और मेरी मम्मी की दुश्मनी है, क्यों इकट्ठा दुश्मनी है ना, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। आमने सामने मिल जाए तो गोलियां चल जाए। बाबू भाई अभी देखो इधर मसाला वसाला कर दिए, जो अपन आएगी मेरे लिए मैगी। क्या होगा ये बनाएगी देखो, ये मम्मी कौन सी मैगी है मैं बताऊंगा नहीं भाई कौन सी। बाकी यार पता नहीं कोई सी मैगी है, नकली मैगी है। कौन लाया, कौन लाया मम्मी? पापा लेके आए, पापा लेके आ गए गाइस कोई सी नकली मैगी उठा के, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए। तभी मैगी बना रही रूपाली, क्योंकि मैंने चावल के साथ तो रोटी सब्जी खा ली थी, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा चटपटा खाना था, तो फिर मैंने इसको बोला कि बाबू मम्मी दादी का एक बार मालूम था का कि इसको तू रूपाली को बिट्टू मत बोला कर, जानू बोला कर, जानू। दादी भी मेरी नए मतलब नए जमाने की दादी है, नए जमाने की दादी कह रही है कि तू ना उसको बाबू नहीं रही बिट्टू नहीं तो उसको जानू बुला कर। मैंने कहा ठीक है जानू बुलाऊंगा मैं उसको। इसी चक्कर में रूपाली भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अय हाय क्यों दादी सास को क्या कहते हैं तेरी भाषा में? अजेंट अजेंट सास। अजेंट सासू मतलब क्या होता है? अजेंट सास मतलब क्या होता है? सासू की सासू। अच्छा तो तेरी तो दादी सासू ही ना, तो तू सासू की सासू किस हिसाब से बोलती है? अरे अजेंट सासू बोलते हैं ना उसका मतलब। तो दादी सास भी तो बोल सकते ना, हिंदी में दादी सास बोलते हैं और निमाड़ी में अजेंट सास बोलते हैं। अब मेरी माँ रूपाली को रील दिखाएगी। रूपाली देख रील, रूपाली ऐसी बनाना है रील। तो गाइस ये इधर बन रही मैगी, जल्दी से बने यार, मेरे को ना बहुत कैडी भूख लग रही, क्योंकि मेरे को खाना है कुछ चटपटा, मेरी जीबान ऐसी लपलपा रही है, तो मैं खाऊंगा मैगी। और आज रूपाली थोड़ी मेरे से नाराज़ हो गई थी, बोल रही थी अब मेरे को ना आपके साथ रील शूट नहीं करना, आप मेरे साथ अब रील मत बनाना, ऐसा वैसा ये वो, तुम मेरी सुनते नहीं हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, और ऐसी कह रही थी कि आप मैं तुम्हारी रील्स में नहीं दिखूंगी। दिखेगी कि नहीं मेरी रील्स में? क्या क्या नहीं दिखेगी? क्या नहीं बनाएगी? रील ऑन नहीं बनाएगी मेरे साथ? क्यों देख लिया भाई, सुन लिया, लेकिन क्या थोड़ी थोड़ी देर की नाराजगी है, बाकी फिर तो नाराजगी दूर हो जाती है। लोग पूछते भैया तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रहते अपन? और पूछते रूपाली दीदी कहाँ रहती है? दामनोद। अब दामनोद क्यों रहती है वो भी बता दे। चल ससुराल है मेरा।
लोगों को लगता है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और रूपाली कहीं और रहती है, मैं दामनोद रहता हूँ। नहीं मांग का भरती, देख मम्मी छोटा सा मांग भरा है, लोगों को दिखाती ही नहीं हो, वो दिखाती है कि जीएफ है मेरी। कहीं नहीं हो जीएफ, फिर क्या है पर? क्या है तू? धर्म पत्नी। अभी तो धर्म पत्नी बहुत कुछ बोल रही थी, बता दो धर्म पत्नी क्या बोल रही थी। क्या? कि दूसरी शादी कर लो। किसने बोला? तूने बोला था कि मम्मी ने बोला था? तूने बोला था मम्मी ने बोला था? अच्छा मेरे को लगा कि भाई रूपाली ने ऐसा बोला कि दूसरी शादी कर लो। हाँ मम्मी ने बोला था कि विशाल तेरी दूसरी शादी करा देती हूँ, रूपाली फिर बैठ के मजे लेगी और जो दूसरी दुल्हन आएगी वो काम करेगी, ऐसा मजे क्या होने में पति को ले जाएगी। अब आ गई ना कदर, अब आ गई ना कदर, क्यों तेरे को डर है मतलब इस चीज का? तेरे को डर है? नहीं तो उसको रूपाली अपन सिर्फ काम करने के लिए लाएंगे ना, उसको सिर्फ काम करने के लिए लाएंगे। इसको भगा देगी। अरे ये गांव की है, दबरी का उससे क्या रूपाली? अगर तुम दोनों की कुश्ती हो जाए मेरे को लेके, फिर कौन जीते? वो ही जीते क्या? तो ऐसे तो फिर कोई भी मेरे को उड़ा के ले जाएगा, कोई भी उड़ा के ले जाएगा। वाह यमराज, यमराज उसको यही नहीं पता। बोले मर जाते तो कौन ले जाता अपने को? यमराज लेके जाता है। यमराज उसके पति को ले जाता है, तो फिर वो जाती ना उसको पति को वापस लेने। कहाँ, कौन सी नाटक में? नाटक नाटक है, देख देख के पति को वापस लाने की ट्रिक लगा रही है। गाइस ये देख लो मैगी रेडी हो चुकी है, ये इधर इसकी मैगी, इधर मेरी, और इधर चल रहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि ये देख रही है। तो दूसरा कुछ देख लिया कर, क्यों वही अच्छा लगता है? ला 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 ला। कैसे सड़का के खा रही थी तो? गाइस इसने तो खा लिया, अब अपन भी खा लेते थोड़ी सी मैगी। रूपाली एक नंबर बने, मजा आ गया भाई मैगी खा के, इतनी प्यारी लग रही ना, इतनी टेस्टी। ओह अब मैगी निपटाते हैं, व्लॉग को करते खत्म। ओके टाटा बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।